नहीं अभी नहीं इंटरव्यू में। नहीं एक्चुअली क्या है, आज की डेट में यूजुअली सभी लोग एक जैसा वर्कआउट करते हैं, बट सिर्फ वेट्स का फ़र्क आ जाता है। जिस तरह से जो मतलब जो मेल सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग ज़्यादा हैवी वेट्स करते हैं, और फीमेल्स मेजरली कार्डियो ज़्यादा करती हैं या किक बॉक्सिंग करती हैं या एब्स करती हैं, क्योंकि उनको मेजरली उनके स्टमक और लेग्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मेल को क्या मसल्स चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर, ओवरऑल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, बट यूजुअली मोर ऑर लेस 60-70% सेम ही लोग एफर्ट लगाते हैं अपने वर्कआउट के लिए पाने के लिए। लड़कियों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनका ये मन नहीं है इसको करने के लिए। कोई लड़कियां नहीं चाहती कि मैं जाके वज़न उठाऊं और ये सब करूं, तो उनको थोड़ा मन बनाना पड़ता है करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है उनको, और कुछ नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं होती, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज ये उनका उनकी कप ऑफ टी नहीं है, वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं है वर्कआउट करना। कई लोग ज़्यादा सिर्फ दौड़ना पसंद करते हैं, कई लोग वेट्स करना, कई लोग किक बॉक्सिंग, तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, अपना अपना खिलौना है, तो जो वो खेलना चाहें उनको थोड़ा वो मोटिवेट करके फिर आप थोड़ा दूसरा वर्कआउट करा सकते हैं। तो पहले मोटिवेशन ज़रूरी है, फिर आप ऑटोमेटिकली मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अर्जुन यादव जी की एक सेलिब्रिटी है, इनके लिए आपने कितनी मेहनत की? ये अर्जुन जी जो हैं इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में एक मोटिवेशन का आग का गोला है ना। इनको सिर्फ बता, इनको सिर्फ दिशा देने की ज़रूरत है, ये अपने आप रास्ता बना लेते हैं। जैसे पानी को आप रास्ता बना के नहीं दे सकते, पानी खुद ही रास्ता बना लेता है जहाँ जाता है, तो अर्जुन में एक स्पेशलिटी है कि आप थोड़ा सा बता दीजिए वो उसको पूरा कर लेंगे, तो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग इन हिम। एंड बहुत ही चार्जअप हैं और मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, तो वो सारे इनके अंदर खूबियां हैं जो एक सेलिब्रिटी के अंदर होना चाहिए, और जो आपको सेलिब्रिटी बनाती हैं, जो आपको एक आम आदमी से खास आदमी के बीच में ट्रांसफॉर्म करती हैं, वो सारी इनबिल्ट चीज़ें इनके बस अब बस मौका है कि कब वो होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े ट्रेनर आपके लिए इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु। और मैं एक बात कहूँगा कि आपने सुना होगा कि ऊपर वाला हर जगह नहीं मौजूद हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई, और मैं कहता हूँ माँ भी हर जगह नहीं जा सकती, इसलिए उसने गुरु बनाया है, और मेरे गुरु मेरे साथ हैं, और जब तक मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो मेरी आप जो फिटनेस देख रहे हैं यूँ ही बनी रहेगी। बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा वर्कआउट मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मतलब मुझे लगता है पहले मैं आता हूँ कि यार ये करूँगा वो करूँगा, भैया बोले नहीं ऐसे करो वैसे करो, पता चलता है मैं सोच के आता हूँ कि मैं आज 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, लेकिन वो 1 घंटे में ऐसा पसीना निकाल देते हैं, ऐसी हालत कर देते हैं कि लगता है 2 घंटे में, 2-3 दिन में 2 घंटे वर्कआउट कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैं बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं सोनू भैया के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, उनके गार्डियंस में वर्कआउट कर रहा हूँ। छोटे भाई का प्रेम बोल रहा है और कुछ नहीं है, बस इनकी जो मेहनत है वो आप देख रहे हैं और फोकस भी देख रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि ये उस पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और गुरु के लिए उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि उसके उनके जो चेले हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो उस जगह पे डटे रहें। डटे रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सही है। लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु मेरे साथ है तो ज्ञान मेरे साथ है। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।